Dear students of 5th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to read and learn number work. Aaj hum number work padhne wale hain. That's why you have to open your textbook and see at page number 6. Aapko apni textbook khol leni hai aur wahan page number 6 par dekhna hai. Theek hai? To yahan par hamara text maujood hai jo aaj hum padhne wale hain aur samajhne wale bhi hain. तो हमारा जो लेसन है उसका टाइटल है द गोल्डन फीदर. गोल्डन यानी सुनहरी, फीदर यानी पर, एक सुनहरी पर. स्टूडेंट्स, एक काम आपको करना है कि अपने साथ पेंसिल रखनी है कि जब भी मैं किसी नए वर्ड की मीनिंग आपको बताऊं तो आप अपनी बुक में ही उसे नोट डाउन कर लीजिएगा. उसके साथ साथ आपको इस लेसन को बहुत ही ध्यान से देखना है और बड़े ही ध्यान से सुनना है कि मैं हर एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करता हूँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो मस्ट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन. वन डे यानी एक दिन. वन डे द क्वीन वॉज टेकिंग अ वॉक. एक दिन रानी टेकिंग अ वॉक यानी वॉक ले रही थी, चल रही थी, टहल रही थी. वन डे द क्वीन वॉज टेकिंग अ वॉक इन हर गार्डन. कहाँ टहल रही थी? अपने गार्डन में. व्हेन यानी तभी या जब, शी फाउंड उसे मिला. किसे मिला? रानी को मिला. व्हेन शी फाउंड अ बिग, क्या मिला? अ बिग एक बड़ा, ब्यूटिफुल यानी खूबसूरत, गोल्डन यानी सुनहरी, फीदर यानी पर. रानी अपने बाग में टहल रही थी तभी उसे बाग में ही एक बड़ा खूबसूरत सुनहरी पर मिला. ठीक है, उसके बाद देखते हैं. देन शी मेट अ लिटिल मैन. तभी रानी को एक छोटा आदमी मिला. लिटिल यानी छोटा, मैन यानी आदमी. देन शी मेट यानी मिला. देन शी मेट अ लिटिल मैन यानी रानी की मुलाकात तभी एक छोटे से आदमी से हो गई. ही सैड, उस छोटे से आदमी ने कहा, इफ यू गिव मी दैट फीदर. इफ यानी अगर, यू गिव मी तुम दे देती हो, मी यानी मुझे, दैट फीदर यानी वो पंख. उस छोटे से आदमी ने कहा कि अगर तुम मुझे वो सुनहरी पर दे देती हो, आई विल गिव यू 3 बिग डायमंड्स, तो मैं तुम्हें 3 बड़े हीरे दूंगा. यानी तुम वो गोल्डन फीदर अगर मुझे दे देती हो, वो सुनहरी पर अगर मुझे दे देती हो, तो उसके बदले में मैं तुम्हें 3 बड़े हीरे दूंगा. डायमंड्स यानी हीरे. 3 बिग डायमंड्स, 3 बड़े हीरे. सॉरी सेड द क्वीन. क्वीन ने कहा कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ये गोल्डन फीदर नहीं दे सकती. उसके बाद देखते हैं. देन शी मेट एन ओल्ड वूमेन. ओल्ड वूमेन यानी बूढ़ी औरत. देन शी मेट यानी रानी की मुलाकात जो है वो अब एक बूढ़ी औरत से हो गई. द ओल्ड वूमेन सैड, उस बूढ़ी औरत ने कहा, इफ यू गिव मी दैट फीदर, अगर तुम मुझे वो फीदर दे देती हो, आई विल गिव यू अ नेकलेस, मैं तुम्हें एक नेकलेस दूंगी यानी एक गले का हार दूंगी, ऑफ 21 पर्ल्स, जिसमें 21 मोती जड़े होंगे. उस बूढ़ी औरत ने कहा कि रानी, अगर तुम मुझे वो गोल्डन फीदर यानी वो सुनहरी पर दे देती हो, तो मैं तुम्हें 21 मोतियों से जड़ा एक गले में पहनने का हार दूंगी. सॉरी सेड द क्वीन. क्वीन ने कहा कि सॉरी, मैं तुम्हें वो फीदर, वो गोल्डन फीदर नहीं दे सकती. देन शी मेट द किंग. उसके बाद रानी जो है वो राजा से मिली, यानी रानी की मुलाकात अब राजा से हो गई. द किंग सैड, राजा ने कहा, इफ यू गिव मी दैट फीदर,
अगर तुम मुझे वो फीदर यानी वो पर दे देती हो, आई विल गिव यू 99 गोल्ड कॉइन्स, तो मैं तुम्हें 99 सोने के सिक्के दूंगा। सॉरी, सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा, सॉरी राजा, मैं तुम्हें ये गोल्डन फीदर नहीं दे सकती। ठीक है, देखो रानी जो है, जो भी उनसे कुछ मांग रहा है तो वो उसको मना कर दे रही है। ठीक है, यानी उस छोटे से आदमी ने पर मांगा जबकि वो उसके बदले में 3 बिग डायमंड्स देने वाला था। उस बूढ़ी औरत ने मांगा, वो बूढ़ी औरत जो है उस सुनहरी पर के बदले 21 पर्ल्स का हार देने वाली थी। राजा उस सुनहरी पंख के बदले 99 गोल्ड कॉइन्स देने वाला था, उसके बावजूद भी रानी ने वो पर किसी को नहीं दिया। देन शी मेट द लिटिल प्रिंस, तभी रानी की मुलाकात छोटे नन्हे शहजादे से हो गई, प्रिंस से हो गई। ही सेड, उसने कहा, उस बच्चे ने कहा, उस प्रिंस ने कहा, ओ मामा, ओ माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, व्हाट्स अ ब्राइट ब्यूटीफुल फीदर, कितना चमकदार और प्यारा खूबसूरत पंख है। टेक इट माई डियर, रानी ने कहा कि मेरे प्यारे ले लो, मेरे प्यारे बेटे इसे ले लो। सेड द क्वीन, कीप इट सेफ, और इसे हिफाजत से रखना। तो रानी ने जो है वो सुनहरी पंख अपने बेटे यानी शहजादे को दे दिया, उसके बदले कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके पहले जिन लोगों ने भी मांगा, जबकि वो रानी को उसके बदले में कुछ देना भी चाहते थे, लेकिन रानी ने साफ इनकार कर दिया, उसने वो पंख किसी को नहीं दिया। लेकिन अपने बेटे की एक बात पर जो है उन्होंने वो पंख उस अपने बेटे को दे दिया। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वालदा यानी मदर्स, हमारी माएँ जो हैं वो हमें कितनी मोहब्बत करती हैं, कि हमारे बोलने से पहले ही वो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर देती हैं, हमारे मुतालिक हमेशा सोचती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनका कहना सुने, उनकी हर एक बात को, उनके हर एक हुक्म को अपने सर आँखों पर रखें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, उनसे इज़्ज़त से पेश आएँ। क्योंकि माएँ जो हैं वो दुनिया में सबसे बड़ी दौलत, दुनिया वो आखिरत में सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है।